नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा होगा झारखंड में। झारखंड में आने के बाद वो आज सिंहभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा से गीता कोरा जो एनडीए की प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र की, उनके हक में, उनके पक्ष में आज जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। उसके बाद रांची लौटेंगे। रांची लौटने के बाद वो रोड शो करेंगे। रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। हम बीजेपी के सरोज जी हैं, प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ होगा आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान। जी, प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा है झारखंड में, क्या कुछ रखा गया है कार्यक्रम? नहीं, आज प्रधानमंत्री जी का चाईबासा में सभा चल रहा है। चाईबासा में सभा के बाद वो रात में, रात्रि विश्राम है यहाँ रांची में, तो रांची में रोड शो 6 बजे से रोड शो होगा रांची में, और वो राजभवन को जाएंगे जी। और रोड शो होगा तो स्वाभाविक है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इतनी लोकप्रियता है, लोगों के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जितना काम किए और जिस तरह से भारत को आगे ले जाने में उनकी भूमिका रही है, गुड गवर्नेंस उन्होंने दिया है, उसके कारण लोग उनको देखना चाहते हैं, लोकप्रियता उनकी। और लोग स्वतः जो है घरों पर, छतों पर आप लगातार देख रहे हैं कि लोग निकल करके उनको देखना, उनको सुनना चाहते हैं। तो जब रोड शो होगा तो इस दौरान प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए मैं समझता हूँ कि देखिएगा शाम को रांची में भीड़ उमड़ेगी। जो कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा, जो स्वागत करेंगे लोग, वो किन किन जगहों पे, किन किन पॉइंट्स पे होंगे? नहीं, वहाँ एयरपोर्ट से वो आएंगे तो बीच बीच में लोग उनको तो स्वागत करेंगे, लेकिन रोड शो जो है सो वो हरमू, ये भारत माता चौक से लेकर के न्यू मार्केट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। बाद बाकी रोड में वो आएंगे तो लोग उनको देखने के लिए तो खड़े रहते हैं, देखने के लिए लोग रहेंगे, लेकिन रोड शो 1.5 किलोमीटर का है तो कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी उत्साहित है। और देखिएगा रात में जनता जो है, शाम को जनता रांची के सड़कों पर उतरेगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। और कल का फिर जो कार्यक्रम है 4 तारीख, कल जो कार्यक्रम है वो पलामू में उनका सभा है, चियाकी एयरपोर्ट पे वहीं पर सभा है पलामू लोकसभा में, और दूसरी सभा उनका लोहरदगा लोकसभा में, सीसाई में उनकी दूसरी लोकसभा है, दूसरा कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो वापस उनका दिल्ली जाना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह। ये सीधे बता रहे थे कि प्रधानमंत्री कल जो जनसभा को संबोधित करेंगे पलामू और लोहरदगा क्षेत्र में, उसके बाद वो रांची एयरपोर्ट पे आएंगे और रांची एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए रांची में आज हजारों जवानों की तैनातगी की गई है। रैप के फोर्सेज हैं, जैप के फोर्सेज हैं और जिला जवान के बल भी लगाए गए हैं। और उसके बाद 99 डीएसपी को पदस्थापित किया गया है। 15 आईपीएस को ड्यूटी पे भी लगाया गया है कि सुरक्षा में कोई भी चूक ना रह जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।